Namaskar, hello everyone, this is me Pooja and you are with MotherWorld, the world where is your all access solution. Today we talk about 22nd April 2019. Yes, हम अप्रैल में आ चुके हैं, तो जान लेते हैं 1st अप्रैल. Yes, अपने जरूर बहुत ही अच्छी तरीके से आज कितने सारे दिन थे. And most important thing, yes, दबंग 3, yes, कितना इंतजार था हमें. अब मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था. तो यस, दबंग 3 के जितनी भी न्यूज़ेस आपको जाननी हो, यस, गूगल ओपन करिए. मदर वर्ल्ड इस बारे में तो नहीं, बट यस, इतना अच्छी न्यूज़ है. आपको सबसे पहले हम ये मूवी देखने जाएंगे. सो यस, 22nd, सॉरी, माफ़ करिएगा, 2nd अप्रैल 2019, कौन से इंपॉर्टेंट डेज है जो कि नेशनली वर्ल्ड वाइड मनाए जाने वाले हैं, और हम उन सारे डेज के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कौन सा डे हमारे मदर वर्ल्ड के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट, दैट इज नेशनल री कैंसलेशन डे, नेशनल पीनट बटर एंड जेली डे, एंड नेशनल फेरेट डे, एंड फोर्थ, दैट इज SAAM डे, दैट इज ऑन फर्स्ट ऑफ ट्यूजडे इन अप्रैल. इट इज यस, डेट कोई भी हो सकता है, बट ये फर्स्ट जो ट्यूजडे होता है अप्रैल का, वो वेनेसडे, थर्सडे कोई भी हो, बट फर्स्ट वीक में ही आता है, फर्स्ट वीक के ट्यूजडे में आता है. तो डे कोई डेट उसका कोई भी हो सकता है. नेशनल इक्वल पे डे, एंड यस, इसके ऊपर मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ याद आई. ऑफकोर्स आपने एक एड देखा होगा, एंड यस, इस समय सबसे सबसे ऑफकोर्स इक्वालिटी इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. मुझे बात ऊपर वाले पे दोनों पे करना था, पीनट बटर एंड जेली डे के ऊपर, बट यस, इक्वल पे डे, यस, इक्वालिटी इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट. इट इज़ नॉट अबाउट द एजुकेशन, बट यस, In this video we talk about equality in, of course, आप जहाँ पे जिस जगह आप professionally काम करते हैं वहाँ पे हर किसी का, of course, if you are a talented, if you are a better for anything, so of course, definitely you have to, yes, आपको equal pay ज़रूर मिलना चाहिए. And it is not about, yes, हम ऐसा नहीं कि women's empowerment या women's के ऊपर ही ज़्यादा focused हो करके, it's not about that, but yes, some of organization, ये सबसे ज़्यादा problem इसलिए भी occurs होती है क्योंकि आप जानते हैं कि women's को ऐसा weak इसलिए समझा जाता है, their body structure, उनकी जो body structure को समझा जाता है, वो of course, but they are, ऐसा कहा जाता है कि फिजिकली हम लोग ऐसे मेडिकल के रिसर्च पे चले जाते हैं, बट क्या साइंस वो वुमेन्स के अंदर जाकर के वो चीज़ थिंकिंग पावर ये सब समझ सकता है? नो, बिकॉज वुमेन्स आर वो सबसे चाणक्य नीति बताती है कि जितना ज़्यादा औरत किसी चीज़ को समझ सकती है, अपनी बुद्धि और बल, अपनी शक्ति को दिखा सकती, उतना नहीं कर सकते. ऑफकोर्स ये फैक्ट है. और यस, इक्वालिटी की बात की जाए तो इक्वालिटी एक ऐसा कहना चाहिए, एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर, बिकॉज यस, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 33% रिजर्व होता है वुमेंस के लिए, बट मुझे लगता है किसी भी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है. वुमेंस आर द बेस्ट एंड दे कैन डू, चैलेंज करके देखो, वेमेंस कैन डू मोर बेटर देन. आई थिंक ब्यूटी की अगर बात की जाए तो ब्यूटी का नाम लेते ही किसका ब्यूटी इज फॉर बी आप जानते हैं सबसे ज़्यादा बिजी रहती है. तो वुमेंस आर कैपेबल टू डू एनीथिंग, एंड वी डोंट नीड टू प्रूव anyone, बिकॉज वी नो वी कैन डू एवरीथिंग. बट येस, नेशनली द इक्वल पे डे इज सेलिब्रेट फॉर सम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, NGO, एजेंसीज प्रोग्राम्स करते हैं, और वहाँ पर वो एजुकेट करते हैं कि वाई वी हैव टू, बिकॉज सम पीपल्स आर ऑफकोर्स वो वैसे ही रहेंगे, बट देयर इज ऑफकोर्स सिर्फ वही जो दो चार लोग आपको दिखते वही दुनिया नहीं है, दुनिया उसके आगे भी है जो आप नहीं जानते, और वो आपको जाना होगा. तो ये सारी डेज अपने सोशल मीडिया जहाँ पे भी आप जानते हैं उन सारी जगहों पर इसे सेलिब्रेट करिए. और येस, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद मदर वर्ल्ड, एंड दैट्स ऑल.